जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी भाई बहन जो सत्य के साधक हैं, सीकर्स हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, माँ की दी हुई उन सभी शक्तियों को अपने अंदर प्राप्त करके विश्व कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, ऐसे सभी सत्य साधकों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। आज मैं ये सत्र श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूं, जहां पे आज से लगभग 5 साल पहले से ये कार्य व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हो रहा था और पिछले लगभग 1.5 साल से जूम लाइव के माध्यम से इस तरह का ध्यान, ये पद्धति, अंतरिक्ष में ध्यान, ग्रहों पे ध्यान, निर्वात में ध्यान, एब्सोल्यूट जीरो पे ध्यान श्री माता जी निरंतर करवा रही हैं पिछले 5 सालों से। श्री माता जी का यंत्र है हम सब, इससे अधिक और कुछ नहीं। माँ ने आज तक हमको जो दिया ज्ञान, ध्यान और वो अनुभव जो ना हमने कहीं सुने या पढ़े, न जानने और समझने की पूरी शक्ति या सामर्थ्य, किंतु अनुभव के आधार पे और बड़ी ही सहजता से वो हमको अनुभव देती गई। और तब पता चला कि माँ ने जो अमृत वाणियों में कहा वो क्या है, बिना अनुभव के सहज को समझना असंभव है, पूर्णतया असंभव है। इस मंच के माध्यम से श्री माता जी आज एक विशेष कार्य ले रही है, जहां पे बहुत सारी भ्रांतियां जो सहजयोगी भाई बहनों में फैली हुई है कि सहस्रार के ऊपर ध्यान नहीं करना चाहिए या अंतरिक्ष में ध्यान नहीं करना चाहिए या शून्य सरोवर में ध्यान नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर माँ स्वयं ही देंगे अपनी अनेक अमृत वाणियों के द्वारा। श्री माता जी ने 2008 तक अपने व्याख्यान दिए, माँ की वाणी में हमारे पास ये उपलब्ध है, amrita.org में इनका कंपाइलेशन है, बहुत सारे 7,000 इंटरव्यूज हैं, सेमिनार्स हैं, पूजाओं के भाषण हैं श्री माता जी के, जिसको संभवतः
इतने ध्यान से सुना नहीं जाता या समझ नहीं आता, क्योंकि वो अनुभव नहीं आया तो वो समझ नहीं आएगा। ग्यारह में माँ ने अपना पार्थिव शरीर त्यागा और निराकार में समाधिस्थ हो गए। माँ एक वो प्रचंड शक्ति है जिसको जानना, समझना, पा सकना असंभव है, किंतु हम विशेष अधिकार के द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए श्री गणेश के समान माँ ने हमें अपने सहसार से जन्म दिया, इसलिए हम कुछ हद तक बहुत सारे रहस्यों को जान सके अनुभव के आधार पर। अपना पार्थिव शरीर छोड़ने के बाद माँ का ज्ञान निरंतर बह रहा है हमारे भीतर से, और तब वो लेक्चर शुरू हुए जो माँ हमें अंदर से देती है, भाव के रूप में, अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में। जैसा मैंने स्पष्ट कहा था कि कल की मेरे जाने के बाद आएंगे। जब माँ से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो माँ ने कहा, एक माँ कुछ चीजें नहीं देख सकती अपनी आंखों से, यानी कि नरसंहार जो आजकल हो रहा है। श्री माता जी ने कहा कि कल की सहज योगी है, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जिसके माध्यम से नकारात्मकताओं का नाश होता है। इसके भी प्रमाण अमृतवाणी के हमारे पास उपलब्ध है। कई भाई बहनों ने बहुत कार्य किया और अभी और कार्य करना शेष है। अगर हमें माँ का ये मैसेज और ये अनुभव, जिसका आनंद हम प्रतिदिन लेते, हमने दूसरों से शेयर नहीं किया, तो ये गलत होगा। तो आइए चले इस सेमिनार में जो प्रश्न मंगलवार को दिए गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास जो सबने किया सम्मिलित रूप से, उनको हम जानेंगे, जिनमें मुख्यतः है जिसका वर्णन अनेक अमृतवाणियों में माने किया, टॉर्शन एरिया, वो तो है ही अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के परे का ज्ञान, जहां सहज योगियों को ही पहुंचने का अधिकार है। तो अंतरिक्ष का ध्यान यदि हम ना करें तो हम सहज योगी पूर्ण रूप से नहीं बने। टॉर्शन एरिया माने अनेक अमृतवाणियों में बोला है, आज हम जानेंगे कि टॉर्शन एरिया कहाँ होता है। दूसरा, कि कल्कि का अवतरण, क्या हम सहज योगी ही है, क्या ऐसा माने कहा है। तीसरा, क्या पंच तत्वों को वश में किया जा सकता है, क्या यही गॉड रियलाइजेशन है, क्या ये शक्ति गॉड रियलाइजेशन के बाद आती है, क्या माने ऐसा कहा है। अनुभव हम निरंतर कर रहे हैं पंच तत्वों में एकाकारिता का,
और निवेशन का, धरती जल वायु आकाश अग्नि कहीं भी विचरण करते हैं हम इन जूम लाइव के सेशंस में प्रतिदिन। क्या माँ ने ये कहा है या हम मेस्मराइज्ड हैं या पजेस्ड हैं दूसरे सहजियों के अनुसार, ये भी आज पर समय रहा तो जानेंगे, नहीं तो सोमवार मंगलवार बुधवार कितने भी दिन लगे, ये प्रश्न अनुभव आप सबके पास है जो भी जूम लाइव की ये सामूहिकता है। सिर्फ माँ की अमृतवाणियों से जोड़ के माँ हमें सशक्त बनाना चाहती है कि हम पुरजोर रूप से ये अन्य सहजीवों को भी बता सकें ताकि उनको भी उनका उत्तर मिले माँ की ही वाणी में, और वो भी माँ से प्रार्थना है इसका आनंद लें और अनुभव लें। तो चलिए सबसे पहले हम माँ की वाणी में कुछ शब्द सुन लेते हैं, उसके बाद ध्यान करेंगे और फिर इस सेमिनार में आज मुख्यतः टॉर्शन एरिया की बात करेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष पे ध्यान से या वहां जाने से विश्व भर में अनेक सहज योगियों को बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है। तो माँ से जानते हैं कि टॉर्शन एरिया क्या है, तैयार करेंगे अपने आप को माँ की अमृत वाणी को अपने अंदर उतारने के लिए। एकदम शांत नए विचार और वर्तमान में स्थापित हो जाएंगे, सुषुम्ना में आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। एकदम शांत पूरा चित्त मध्य में वर्तमान निर्विचार निर्विचार हो जाएंगे। माँ हमें आपके वचनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, हमें इसके योग्य बना दीजिए श्रीमाता जी, कृपा करें श्रीमाता जी। To emancipate the human race. I would say that a man, a human being has to be transformed, but that may challenge them. But I would say you have to blossom. You have to evolve, and your fragrance has to spread all over the world. This is not at all difficult. So it also means something. Also, it means form. Saha means faith, journey means form. Form we choose this business. You have a perfect get yourself right. It's absolutely a thing granted to us by our creator, the Shandor. Even scientists like Einstein has talked about it, that you have to go into an area which you call it as torsion. In that torsion area, according to him, you get ideas which are genuine, truthful, and one can work on them so beautifully that they all turn out to be truthful. That's when you go searching this theory of
creativity, he was working in a lab for hours together. Peace. Then he was fired. And then he says he was sitting in his garden, playing with the bubbles, soap bubbles, like a child. And from somewhere, unknown, he says, the theory of relativity dawned upon. What is that unknown place? He called it as torsion area. But torsion area is what we call is the area of the all-pervading power of the mind. Now this theory of divine love, whatever they have talked about divine love, has to be actualized. Actually, if it doesn't happen, we still float about with something artificial. Words are words. These words have to become reality. And how do they become reality is by becoming a self-knowledgeable, a self-realized soul. This is a very, very important point we are missing. And that's why the world is upset. That's why we have problems in this world. We have problems of personal life. We have problems in the cities that we have in the countries and above all in the whole world. All these problems can be easily solved. We should all get our self-light. I have now been working for so many years, and what I find that people are just ready to go. Maybe in the olden days they were not so ready, and also there was a tradition that realization should be given at most to the one person. Maybe because of that, it didn't work out. But today people are born with it. They have been searching all these things, maybe in last lives, many years, and today is the time for them. And for that, you don't have to give up it. This idea of giving up is absolutely wrong and wrong. What do we get? Give up your wife, give up your husband, give up your children, give up all your property. To whom? To whom do you give this? What is there to give up? If inside yourself there is some denunciation, if the temperament of denunciation is renewed, whether you are a king or anything else, you are full of joy. You are a joy-giving personality. And you live in joy, and you enjoy it. That is the situation which you have to achieve, and which is. Yes, Shrimati ji. आप सभी लोगों ने ये सुना कि टॉर्शन एरिया में हमको जाना होता है और यही यहां से ही परम चैतन्य बहते हैं जो ईश्वर की शक्ति है और यहां इस एरिया में आने के बाद हर समस्या का समाधान हो जाता है चाहे वो वैयक्तिक हो चाहे वो सांसारिक हो या सार्वभौमिक हो शहर की देश की विश्व की अपनी निजी कोई भी समस्या का समाधान इस टॉर्शन एरिया में आने के बाद हो जाता है हम ये शब्द बहुत दिनों से जानते हैं लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि टॉर्शन एरिया कहाँ पे है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है तो आज जो श्रीमाता जी ने बताया कि इस एरिया में आने के बाद पूर्ण सत्य हमें प्राप्त हो जाता है जैसे आइंस्टाइन को प्राप्त हुआ तुरंत उनके दिमाग में
ये इमेजेस बन गए कि किस तरह से जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है या चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो उनमें टकराव क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, कैसे स्पाइरल फॉर्म में सारे अंतरिक्ष की गतियां होती हैं और वलय आकार में होती हैं। ये निरंतर होता रहता है, निरंतर ये गतियां हो रही हैं। तो जो समय है वो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर हम स्पेस का समय देखें, अंतरिक्ष का समय देखें, तो वहां का एक वर्ष पृथ्वी के हजार वर्ष के बराबर है। समय भी सापेक्ष है, रिलेटिव है, गति भी सापेक्ष है, रिलेटिव है। जैसे कि एक कार में बैठे हुए चार लोग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं तो उनकी आपस में गति शून्य है, किंतु अगर सड़क पे कोई खड़ा है उसके लिए वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सामने से अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है तो वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा का अनुभव करती है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। तो सत्य कहाँ है? सत्य टॉर्शन एरिया में, और एक आइंस्टाइन की इतनी खोजों के बाद भी अंतरिक्ष तो इंसान पहुंच ही गया अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी के बाद, ब्लैक होल्स का पता चला, सभी खगोलीय पिंडों की, आकाशीय पिंडों की गति का, उनके एक दूसरे से ना टकराने का रहस्य खुल गया, किंतु एक रहस्य अभी भी बाकी रहा कि इसके बियॉन्ड क्या है। इसके बियॉन्ड एब्सोल्यूट जीरो है, शून्य सरोवर है, जहां न साइंटिस्ट पहुंचे, न वहां तक कभी पहुंचने का अनुमान लगाया और न लगा सकते। -269 डिग्री सेल्सियस आर्टिफिशियली क्रिएट करने पे भी क्रिएट करना संभव नहीं। सिर्फ एक सहज योगी अपनी साधना और तप से ही यहां पहुंच सकता है, जिसका चित्त हल्का हो, जो आत्मा में केंद्रित हो। यदि हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तभी हम अपने शरीर को, अपने चित्त को शरीर से दूर कर पाते हैं, अन्यथा हम बैठे तो पृथ्वी पे ही होते हैं जब हम ध्यान करते हैं, किंतु हमारी आत्मा जो प्रकाशित है, जो सत्य है, चित्त है और आनंद देती है, वही चित्त, प्रकाशित चित्त इन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जो बोझिल नहीं हो चित्त। इसीलिए किसी किसी को ये अनुभव मिल पाते हैं जो अपने आप को डिटैच कर पाते हैं, डिटैच वही कर पाते हैं सांसारिक जीवन से, जो आत्मा बन जाते हैं। ये माने बहुत बार बताया, लेकिन जब तक हमें ये अनुभव नहीं होगा चित्त को इतने ऊपर ले जाने का, हम ये नहीं समझ सकेंगे कैसे पक्षी ऊपर उड़ते हैं और नीचे गिरते नहीं। क्या चीज है पक्षियों के अंदर कि वो नीचे नहीं गिरते, लेकिन मनुष्य गिर जाता है, वो नहीं उड़ सकता है। ये भी माने बताया, माने सब बताया है हमें, और 2008 के बाद भी निरंतर शरीर, पार्थिव शरीर को छोड़ने के बाद, निराकार में जाने के बाद भी हमको अंदर से ज्ञान और अनुभव निरंतर दे रही है, सिर्फ हमें उस पर चित्त रखना है। तो चलिए ध्यान करते हैं और फिर एक दो वीडियोस देखेंगे टॉर्शन एरिया के। तो आज टॉर्शन एरिया कवर हो पाएगा और बाकी दिनों में हम एक एक करके
प्रश्न सारे लेते जाएंगे। चित्त को पूरी तरह से अपने मध्य हृदय में ले आएंगे, एकदम दिमागी हलचल को, सोच विचार को त्याग देंगे, क्योंकि हमें हमारे मस्तिष्क से परे जाना है। मस्तिष्क में नहीं उलझेंगे, पूरा चित्त मध्य हृदय मिलाएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में, जगत जननी जगदम्बा, पूरे ब्रह्मांड स्वामिनी, जीव जंतु समुद्र पृथ्वी पर्वत आकाश अंतरिक्ष ग्रह नक्षत्र सभी देवी देवताओं की निर्मात्री सृजनकर्ता माँ जगदम्बा हमारे मध्य हृदय में पूरे ब्रह्मांड के साथ विराजित है, सभी देवी देवताओं के साथ विराजित है। पूरा चित्त रखेंगे माँ जगदम्बा पे, पूरा चित्त नमन करेंगे, माँ को मध्य हृदय में इस रूप में देखेंगे। श्री माता जी कृपा करें, हमको अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुसज्जित करें, माँ आशीर्वादित करें। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मेरे मध्य हृदय में सदैव विराजित रहे, अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ, देवी देवताओं के साथ। माँ के दरबार में उपस्थित सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे, सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नमन करेंगे। ये प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आप मेरे हृदय में विराजते हैं, हे प्रभु गणेश, मेरे सब कार्यों को आप ही निर्विघ्न करते हैं। हे प्रथम पूज्य गणेश, आप ही मेरे मूल आधार पे, मेरे सभी चक्रों पे और सर्व प्रमुख स्वर्ग के द्वार खोलने वाले आज्ञा चक्र में मध्य में श्री क्राइस्ट के रूप में अवतरण लेके और बैक आज्ञा में मेरे अपराधों को क्षमा करके श्री महागणेश रूप में आप ईश्वर के साम्राज्य के दरवाजे खोलते हैं, मेरा आज्ञा चक्र खोलते हैं। हे प्रभु गणेश, आपको बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम। मध्य हृदय में श्री कार्तिकेय जी को भी नमन करेंगे। श्री कार्तिकेय जी, आप मेरे अंदर सभी राक्षसी प्रवृत्तियों का खात्मा करते हैं,
मेरे दाएं मूलाधार में कोई भी राक्षसी प्रवृत्ति यदि मेरे भीतर आ जाती है, आप उसका तत्क्षण नाश कर देते। श्री कार्तिकेय जी, आप श्री शिव और शक्ति के पुत्र हैं, आपका तो जन्म ही इसी कारण से हुआ। कृपा करें और मेरे दाएं मूलाधार में जागृत हो जाने पूर्ण रूपे। माँ के पुत्र हनुमान, माँ के सेवक हनुमान, माँ के कार्य करने वाले हनुमान, रक्षक हनुमान, आप असीम शक्तियों से संपन्न हैं। आप सब तरह की नौ निधियों से संपन्न है। माँ आदिशक्ति ने ही श्री सीता रूप में आपको आशीर्वादित किया। हे प्रभु हनुमान, कृपा करें और माँ आदिशक्ति के इस कार्य को पूर्ण होने में मेरी सहायता करें। हनुमान जी, आपने ही सदैव आदि शक्ति के सभी कार्यों को संपन्न करने में उनके भक्तों की सहायता की। जागृत हो जाइए। हे प्रभु हनुमान, जागृत हो जाइए। नमन करेंगे श्री राम भक्त हनुमान। कृपा करें श्री आदि शक्ति के सेवक हनुमान। कृपा करें हमारे सहज योग के कार्य को पूर्ण होने में हमारी सहायता करें। आकाशीय तत्वों के सम्राट, एथर के सम्राट, जागृत हो जाए। अब हम अपने चित्त को माँ के चौथे बालक, शाश्वत बालक श्री भैरवनाथ नमन करेंगे। भैरवनाथ जी, नकारात्मकताओं का नाश करते हैं आप, आनंद से भरते हैं आप मुझे। मैं आपके ही कारण चैन की नींद सोती हूँ। आप मेरी रक्षा तांत्रिकों से करते हैं। देवी को जो गलत तरीके से स्मरण करते हैं, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, आप उनका नाश करते हैं। आप शमशान में भी हैं, आप काल में भी हैं, आप कंकाल में भी हैं, ताकि कोई तांत्रिक दुरुपयोग ना करे किसी भी मनुष्य के अंदर, उसका हनन ना करे।
प्रवेश न करें। आप भी बाल भैरव है, आदि शक्ति के बालक है, आप जागृत हो जाइए। नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे और अपने चित्त को सभी देवी देवताओं पर रखेंगे ताकि वो अपने अपने चक्रों पर विराजित हो जाए, जागृत हो जाए। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती स्वाधिष्ठान पे भी है और मध्य हृदय में भी चित्त रखेंगे, नमन करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी नाभि पे भी है और मध्य हृदय में भी सुख शांति समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान की रक्षण है, रक्षा करते हैं, रक्षण करते हैं। धर्म की स्थापना करते हैं, योग प्रदान करते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन की जो जिम्मेदारी आदि शक्ति ने इनको दी है हमारे रक्षण के लिए, उसे पूरी तरह से निभाते हैं। हमारे नाभि चक्र में जागृत होके और हमारे मध्य हृदय में माँ जगदम्बा के दरबार में जागृत होके श्री आदि गुरु दत्तात्रेय पे चित्त ले जाएंगे, धर्म की स्थापना पूरी तरह से करने अनेक अवतरणों में आए आदि गुरु दत्तात्रेय आपको बारंबार नमन, जागृत हो जाइए, मेरे भव सागर को शुद्ध कर दीजिए, मुझे स्वयं का गुरु बता दीजिए, जागृत हो जाए। चित्त को रखेंगे, श्री सीताराम जी को नमन करेंगे, माँ हृदय आपको समर्पित, रक्षण करें श्री माता जी, श्री सीताराम जी को जागृत कर दे, पूरा चित्त बनाए रखेंगे। आप धीरे से अपने चित्त बाएं हृदय में लाएंगे ताकि हम डिटैच हो सके इस शरीर से। माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, मुझे आत्मबोध प्रदान करें, मैं शरीर नहीं, मैं सर्वव्यापी आत्मा, सर्वत्र व्याप्त हूँ मैं, माँ मैं सर्वज्ञानी, मैं सर्वशक्तिशाली,
जड़ में चेतन में जागृत, सदैव जागृत हो मैं, अजर अमर हो मैं, आनंद का स्रोत हो मैं, चित्त हो मैं, सत्य हूँ, परम सत्य को जानने वाली आत्मा, शिव हूँ मैं, महसूस करेंगे अपनी आत्मा बाएं हृदय के अंदर, डिटैच पूरी तरह से होंगे अपने शरीर से, साक्षी होंगे, कर्ता नहीं होंगे, दृष्टा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, अमर होंगे, धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ, देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, माँ जगदम्बा की कृपा से विशुद्धि चक्र में आएंगे, श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे, विशुद्धि चक्र घूम रहा है पीठ की हड्डी में, श्री कृष्ण जी प्रसन्न है, नमन करेंगे, माँ राधा की शक्तियों को धारण करेंगे, आज्ञा चक्र में आएंगे, ब्रह्म रंध्र पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे, परम चरण को बहने देंगे, पूरे सर के अंदर, पूरे सहस्त्रार में, दोनों हाथों में, रीढ़ की हड्डी में बहने देंगे, पूरा शरीर परम चैतन्य से भर रहा है, फिर से ऊपर आएंगे, रीढ़ की हड्डी से ऊपर आते जाएंगे, मूलाधार स्वाधिष्ठा नाभि हृदय विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार, सहस्त्रार भी श्री माता जी से अनुमति लेंगे आगे की यात्रा की, रोशन एरिया में जाने की, श्री चरणों में नत हो जाएंगे, आदि शक्ति माँ हमें शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए, आपके ब्रह्मांड की यात्रा करने की, श्री सदाशिव से योग करने की, चित्त को धीरे से अर्धबिंदु चक्र तक लाएंगे, 3-4 इंच बहुत सुंदर अर्ध चंद्राकार चक्र महसूस कर सकते हैं, इसे बिंदु चक्र इसके ऊपर,
बहुत सुंदर। और ऊपर वलय चक्र, वलय चक्र से ऊपर प्रदक्षिणा की स्थिति से होते हुए और चक्रों को पार करके आकाश में आएंगे। आकाश का भेदन कर दिया है मां कुंडलिनी ने। परम चैतन्य बरस रहा है पूरे आकाश से, पूरे विश्व में, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व में परम चैतन्य निरंतर बरस रहा है। भीग रहे हैं सब, भीग जाएंगे, पूरे विश्व को भीगने देंगे परम चैतन्य से। चित्त को मदर अर्थ में ले जाएंगे, अर्थ एलिमेंट, जहां जहां भी थल है, लैंड है, चित्त को ले जाएंगे, परमिट कर जाएंगे पूरी एकाकारिता पृथ्वी तत्व के साथ। पूरी एकाकारिता जहां जहां कोई भी नेगेटिविटी है पृथ्वी पे, किसी भी मनुष्य के भीतर, सहज योगियों के भीतर, वायरस, बैक्टीरिया, राक्षस, भूत बाधा, कैसी भी नेगेटिविटी नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है पूरी तरह। पूरी पृथ्वी चैतन्य थे, अब हम अपने चित्त को जल तत्व में ले जाएंगे, पूरे समुद्रों में, महासागर, सागर, नदियां, झीलें, झरने, पूरे विश्व की नदियां, पूरे विश्व में जल तत्व परमिट कर जाएंगे, होने का कार्य। माता जी, जल तत्व में कहीं भी कोई नेगेटिविटी हो उसे समूल नष्ट कर दीजिए। चित्त को वायु तत्व में ले जाएंगे, पूरी तरह से एकाकार हो जाएंगे, परमिट कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे हर वायु के कण में, रेणु रेणु अणु अणु में, पूरी तरह से परमिट कर जाएंगे। वायु में उपस्थित COVID-19 या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया नष्ट हो रहा है, सारे निराकार राक्षस नष्ट हो गए परम चैतन्य के द्वारा, जो हमारे चित्त से पूरे वायु तत्व में फैल गया परम चैतन्य। चित्त को सूर्य देवता तक ले जाएंगे, पूरी तरह से एकाकारिता के साथ विश्व में फैल जाएंगे। चित्त के माध्यम से सूर्य की किरणें पूरे विश्व में, अल्ट्रावायलेट किरणें नकारात्मकताओं का नाश करेंगे,
दिव्य आत्माओं का रक्षण हो रहा है। धीरे धीरे आकाश में आ जाएंगे, फिर से भेदन करेंगे, अंतरिक्ष में आ जाएंगे, टॉशन एरिया की तरफ जो जाना है हमें, सभी ग्रह नक्षत्र सर्पाकार और वलयाकार में घूम रहे हैं, गति में सापेक्ष गति है, कोई किसी से नहीं टकरा रहा, पूर्ण अनुशासन। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और बीच में सूर्य, इतना सुंदर दृश्य है। सत्य है ये, और ऊपर चलेंगे, पार करेंगे इस एरिया को, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट पे आ जाएंगे, शून्य से रोवर पार, ब्रह्म ब्रह्मांड के परे, श्री सदाशिव दर्शन करेंगे। चरणों में, श्री चरणों में सर रख देंगे। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। आपने मुझे आशीर्वादित किया, मेरा सृजन किया, आदि शक्ति के अवतरण को पृथ्वी पे भेजा, मुझे आत्म साक्षात्कार दी, आपसे साक्षात्कार दी। हे प्रभु, मुझे योग प्रदान करें, अपने अंदर समा लीजिए, समा जाएंगे, समा जाएंगे। आनंद के पल है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, योग है, महायोग, पूरी तरह से श्री सदाशिव के अंदर है। धीरे धीरे डिटैच करेंगे अपने आप को, श्री चरणों में आ जाएंगे, धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद इस योग के लिए, इस अनुभव के लिए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे और अंतरिक्ष में शुक्र है नक्षत्रों के बीच से होते हुए आकाश में, आकाश से पूरे विश्व में आ जाएंगे, चित्त के माध्यम से परम चैतन्य बरसा देते, पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा घर, सब जगह परम चैतन्य बरस रहा है, निरंतर बरस रहा है परम चैतन्य। भीग जाएंगे, पूरे परिवार को अपने चित्त से नहला देंगे परम चैतन्य से।
सभी लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनको भी परम चैतन्य से नहला देंगे। पूरी तरह से धीरे धीरे सहस्त्रार पे उतरेंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में सर रख देंगे, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस अनुभव के लिए। हे माँ आदि शक्ति, आपको बारंबार नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपके अनंत कोटि ऋणी है माँ इस ध्यान ज्ञान और अनुभव के लिए। आज्ञा चक्र पे आएंगे, विशुद्धि में आएंगे और मध्य हृदय में आ जाएंगे। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, वो शाम करें। जय श्री माता जी, 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 जय श्री माता जी। एक बार टॉर्शन एरिया देखेंगे हम कि हम कहाँ जाते हैं। इस तरह से कुछ मूवमेंट होते हैं खगोलीय पिंडों के। एक्चुअली ये बहुत सारे वीडियोस हैं और जो आपके सामने इस समय वीडियो है ये आइंस्टाइन ने जो बताया कि हर चीज पे जिसको माँ ने मरोड़ क्षेत्र बोला या एक ऐसा एरिया बोला जो जिसपे कर्व है, उस कर्व की वजह से ही कोई भी चीज किसी से भिड़ नहीं जाती है और उसके ऑर्बिट में उससे एक दूरी पर ही रह पाती है, उसके बीच में नहीं आ पाती, केंद्र पे नहीं आ पाती। तो वो उसकी उसकी मजबूरी होती है उस पिंड की कि उसके वो चारों तरफ घूमे। तो जो भी पिंड भारी होता है, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, जो हल्के हल्का पिंड होता है वो उसके चारों तरफ घूमने लगता है। जैसे सन एक स्टार है तो सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, बाकी ग्रह भी सन के ही चारों तरफ घूमते हैं, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो ये स्पाइरल फॉर्म में घूमते हैं, ये माने अनेक लेक्चर्स में बताया है। और ये जो बीच में वैक्यूम होता है, एक एक जो आइंस्टाइन ने बताया कि जो इस एरिया में पहुंच जाता है उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है और उसके जीवन में कोई भी समस्या है वो यहाँ सॉल्व हो जाती है। उसने कहा इसके बियॉन्ड मुझे भी नहीं पता, आइंस्टाइन ने, क्योंकि वो जो भी थे आत्म साक्षात्कारी थे, सीकर थे, वो एक्सटर्नली सीक कर रहे थे, हम इंटरनली सीक करते हैं, वो ट्रूथ को एक्सटर्नली जान रहे थे। तो उनको ये ज्ञान अंदर से आया, ना कि उनकी लैब में आया। जब वो यहां तक पहुंच गए, डिस्टॉर्शन एरिया तक, तब वो सत्य को जान सके। और उसी के आधार पे आज हम चंद्रमा पे भी जा सके हैं, बहुत सारे ग्रहों पे जा सके हैं या जाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हम उनकी दूरी, उनका व्यवहार, तो इसके जो बियॉन्ड है यानी अंतरिक्ष के बियॉन्ड, वहां एक निर्वात है। निर्वात मतलब वैक्यूम। तो वहां पे अगर
मतलब हम पहुंचते हैं जहां पे हम रोज पहुंच रहे हैं, तो वी कैन गेट एनीथिंग दैट वी वांट, एनीथिंग दैट वी वांट, हमको जो भी चाहिए अगर हम इस एरिया तक पहुंच जाते हैं तो वो हमें मिल जाता है, ऐसा आइंस्टाइन ने स्वयं कहा इस क्षेत्र के बारे में। तो हमको, हम सुनते रहते हैं टॉर्शन एरिया टॉर्शन एरिया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि टॉर्शन एरिया है कहाँ। प्लीज आप भी थोड़ा और सीख करें, थोड़ा और जानें। माँ ने, जैसा कि मधु जी ने भी बहुत वर्क किया, दोनों मधु जी ने, जालंधर की मधु दीदी ने भी और मधु बुआ ने भी टॉर्शन एरिया की बहुत सारी स्पीचेस मुझे भेजी, जिनका मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालें मधु चावला दीदी। तो माँ ने कहा सिर्फ साक्षात्कार ही पहुंच सकते क्योंकि ब्रह्मरंध्र का भेदन हो गया। और कब पहुंच सकते हैं? जब हम आत्मा में केंद्रित हो। तो जब तक हम आत्मा में ध्यान नहीं करते, डिटैच नहीं होते, आत्मा में ध्यान करने का क्या मतलब है? शरीर से डिटैच हो जाना। तो जैसे ही हम, क्योंकि सशरीर तो हम यहाँ पहुंच नहीं सकते, है ना, ना हम स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं, ना हम वैज्ञानिक, ना हम एस्ट्रोनॉट, तो सशरीर तो हम जा नहीं रहे हैं। हम कैसे जा रहे हैं? अपने शरीर को नीचे छोड़ के अपनी आत्मा और चित्त के साथ हम इस जगह पहुंच रहे हैं। तो ये टॉर्शन एरिया है जो सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही पहुंच सकता है, क्योंकि भेदन हो गया। इसीलिए कुंडली कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। और क्या है हमारा माध्यम? चक्र है हमारे माध्यम। तो चक्रों से होती हुई कुंडलनी शक्ति आकाश में जब जाती है और ईथर एलिमेंट से जुड़ती है, तो उसके बाद हम जहां भी चित्त ले जाएं, हम 360 डिग्री की दिशा में मूव करने लगते हैं। मींस इन एनी डायरेक्शन वी मूव, वी कैन मूव, बट माने कहा एक्सट्रीम पे मत चले जाना। अब हम मूव करना चाहते हैं, हम पास रिग्रेशन करना चाहते हैं, पास लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, वो सहजयोग नहीं है, वो सहजयोग नहीं है, क्योंकि हम अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं हम उसका। तो हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? टॉर्शन एरिया में जाना चाहिए। सभी देवी देवता आकाशीय मार्ग से चलते हैं, हम जानते हैं ये बात, इसीलिए हमको कभी भी किसी के दर्शन भी हो जाते हैं, जो भी मिल जाए उस वक्त पे जब हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो ये आकाशीय मार्ग है और ईथर एलिमेंट के बाद ये अंतरिक्ष में हम आते हैं और अंतरिक्ष के बाद हम एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट पे जाते हैं, -269 पे। तो ये सब श्री माता जी ने बताया 2008 तक, और 2011 के बाद माँ हमारे हृदय में बता रही है। ये भी तो भाषण चल रहा है ना हमारे अंदर अभी भी, वो तो 7000 माने दिए हमने संकलित कर लिए, लेकिन जो हमारे अंदर गुरु जागृत हुआ, सरस्वती जी जागृत हुई, ज्ञान का प्रवाह बहा, हमने जो अनुभव किए वो भी तो माँ के ही दिए हुए हैं, वो भी तो माँ के अनकहे लेक्चर हैं, जो हम कहेंगे उनको वाणी हम देंगे। अब जो हम कल्कि का अवतरण है, सहज योगी कल्कि का अवतरण है, और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। माँ ने स्पष्ट शब्दों में बहुत सारी अमृतवाणियों में ये कहा हुआ है। सिर्फ किस चीज की देर है? हमारी सीखिंग की देर है। Are we really interested to know? If we are interested to know, we will know. Because Shri Mataji हमें आशीर्वादित कर रहे हैं निरंतर लगातार। टॉर्शन एरिया, तो टॉर्शन एरिया के विषय में माने बहुत ही स्पष्ट और बहुत सुंदर और बड़ा ही अच्छे तरह से बताया कि ये मरोड़ क्षेत्र है, यानी कर्वेचर का क्षेत्र है, स्पाइरली मूव होता है, एक दूसरे से सापेक्ष गति होती है और प्रकाश वर्ष की गति होती है, दूरी होती है। तो प्रकाश की गति को सबसे तेज माना गया था, लेकिन ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा, अरब, एक अरब गुना ज्यादा गति से ये जो समय, इसीलिए तो कहते हैं सहयोगी कालातीत हो गए।
तो ये काल के परे है, क्योंकि समय एक सापेक्ष रूप से ही हम बता सकते हैं, स्पेस टाइम जो है वो अलग है, और जो पृथ्वी पे हम घड़ी बांध के चलते हैं वो समय अलग है। तो समय तो एक भ्रम ही हुआ ना, तो जब ये जो घटित होना है जैसे होना है वो वैसे होता है, क्योंकि स्पेस टाइम में कुछ और टाइम है, यहाँ पे कुछ और टाइम है। तो हम कहाँ जी रहे हैं, हम किस गति से मूव कर रहे हैं, ये सब हम टॉर्शन एरिया में जाकर मतलब उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो कालातीत है, गुणातीत है और मस्तिष्क के परे है। मस्तिष्क से इसको समझना संभव नहीं, और जो भी सहयोगी इसको मस्तिष्क के आधार पर समझते हैं उनको फिर ये अनुभव ही नहीं आ पाता, क्योंकि वो उसके परे नहीं जा पाते, और ये मस्तिष्क के परे है, ये परा शक्तियां हैं, देह के परे, मस्तिष्क के परे। और टॉर्शन एरिया क्या है, उन्हें पता चले, वो सुन रहे हैं टॉर्शन एरिया, लेकिन उन्हें पता नहीं है टॉर्शन एरिया कहाँ पर है। ये अंतरिक्ष में है, निर्वात है, दो पिंडों के बीच में जो मूवमेंट आता है वो है, और यहाँ पहुंचने से हम बाधा रहित हो जाते हैं, हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाता है, हमें सत्य का ज्ञान होता है, और यही चैतन्य लहरियां हैं, यहीं से आती हैं, यही परम चैतन्य जो ब्रह्म चैतन्य बन जाता है। तो ये हमको ये सारी चीजें जानिए, माने बहुत साइंटिफिकली भी बताया कि ब्रह्म चैतन्य परम चैतन्य में जब नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है, क्योंकि ये भी तो वायु के माध्यम से गति हो रही है, ईथर के माध्यम से गति हो रही है, तो इसमें जो साइंस के भी एलिमेंट्स हैं, गैसेस हैं, वो भी इंक्लूडेड है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये है ब्रह्म चैतन्य। और हमारे अंदर जब मिसॉन खुल जाता है, जो हमारी कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम सब जानते हैं, लेकिन मिसॉन करके भी एक एक अणु है, एक कण है, जो खुलने से परम चैतन्य का अनुभव होता है, जिसका मिसॉन नहीं खुल पाता उसको फिर वाइब्रेशन का अनुभव नहीं होता। सो सहज योगा एब्सोल्युटली साइंटिफिक है, एब्सोल्युटली श्री माता जी स्वयं ये सब कुछ बता के गई हैं, और अभी हमें हमारे हृदय में बता रही है। तो अगर किसी अनुभव की अगर हमको नहीं मिल पा रही है अमृतवाणी, तो माँ ने तो ही दिया ना ये अनुभव हमें, अगर हम बोल रहे हैं तो ये भी माँ की ही तो वाणी है जो हृदय से बह रही है। और 2008 तक 7000 अमृतवाणियां उपलब्ध है, जिसमें 99.9% सब है। शायद एकाध कोई अनुभव ऐसा होगा जो शायद अमृतवाणी नहीं मैं ढूंढ पाई उसके, जैसे ऊपर के 14 चक्र, बिंदु चक्र के ऊपर के 14 चक्र, जिनका अनुभव मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एक आधे सेंटेंस में मुझे वो भी मिल गया था जहां माँ ने कहा सब कुछ 14 के हिसाब से है, तो बिंदु के ऊपर भी 14 चक्र है, और शरीर के अंदर 7 ईड़ा 7 पिंगला में मिला के 14 है, और सुषुम्ना के ऊपर यदि हम चले तो हमारा श्री चक्र, ललिता चक्र और हंसा चक्र, इनको मिला के 10 है, और ऊपर के अर्ध बिंदु, बिंदु वलय ये और प्रदक्षिणा की स्थिति, ये मिला के 4 14 है। 14 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक चक्रों का सवाल है, और बिना चक्रों के हम ना कुंडलिनी हमारी पार होंगी जब तक वो शुद्ध नहीं होंगे चक्र, और ना हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे जिसको टॉर्शन एरिया कहते हैं। तो ये सब कुंडलिनी माँ की ही कृपा है कि हम ये अनुभव ले सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। आज यहीं पे विराम देते हैं आज के सेशन को। सबको जय श्री माता जी, श्री माता जी की शक्तियाँ सबके साथ हर पल हर वक्त रहे, सभी को जय श्री माता जी। थैंक यू, थैंक यू अंकल बेटा, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।